होली के त्योहार पर हल्द्वानी से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक युवती की स्कूटी को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक युवती की सहेली गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें, जिस गाड़ी से युवती की स्कूटी को टक्कर मारी गई है, उस पर पुलिस लिखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। मृतक युवती अपने दोस्त को घर छोड़ने के लिए जा रही थी। युवती स्कूटी से मुखानी स्थित केवीएम स्कूल के पास पहुंची ही थी कि तभी दूसरी दिशा से आ रही तेज रफ्तार सफारी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भिड़ंत में स्कूटी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। हादसे में 22 वर्षीय हर्षिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली लवर्णी जोशी की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को उपचार के लिए साईं हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। बताया जा रहा है कि जिस सफारी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी में आगे और पीछे पुलिस लिखा हुआ है। मृतक हर्षिता रामपुर रोड हल्द्वानी की रहने वाली है और वो नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करती है। होली के मौके पर हर्षिता अपने घर आई हुई थी। वहीं युवती की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।